नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप कार्यक्रम देख रहे हैं जानिए अपना राशिफल, और मैं हूँ सारिका सक्सेना। शुरुआत करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज है 29 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, सक संवत 1944, शिशिर ऋतु, पौष का महीना, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो 7:17 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिनका जन्मदिन है उनको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 29 तारीख को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक होता है। 2 और 2 और 9 आपस में मिलकर होते हैं 11, और 11 की संख्या जब आपस में मिलती तो होती है 2। इस तरह इनका मूलांक होगा 2 और 2 ग्रह। 2 मूलांक वाले व्यक्ति चंद्र ग्रह से संचालित होते हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह का माना गया था। आप अत्यंत ही कोमल स्वभाव की होते हैं। आप में अभिमान तो जरा सा भी नहीं होता, और चंद्र ग्रह मन का कारक होता है। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द से आप परेशान हो जाते हैं। यही आपकी कमजोरी है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आपसे कमजोर होते हैं। चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार चढ़ाव पाया जाता है, और जल्दीबाजी, अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसको त्याग दें, जिससे आप जीवन में बहुत सफल होंगे। आपके लिए शुभ दिनांक है 2/11/2029, शुभ अंक है 2/11/2029/56/62, शुभ वर्ष 2027/2029/2036। और आपके इष्ट देव है भगवान शिव और बटुक भैरव। रंग है आपका शुभ सफेद, हल्का नीला और सिल्वर ग्रे। आप जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये वर्ष। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने के लिए आपका ये वर्ष होगा। वक्त होगा पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से सुलझाएं। लेखन से संबंधित काम मामलों में सावधानी रखेंगे और बगैर देखे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दखल अंदाजी ठीक नहीं होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह ले ले। व्यापार व्यवसाय की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अब बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज आपके बढ़ते हुए खर्च आपका सिरदर्द बन सकते हैं, जिनको आप अपने ऊपर किसी मित्र से बातचीत भी करेंगे। कुछ खर्च ऐसे होंगे जो मजबूरी में आपको ना चाहते हुए करने पड़ेंगे। व्यापार से कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आज आप स्वास्थ्य से चल रही समस्याओं से किसी हद तक आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन आय के नवीन स्रोत दिलाने वाला रहेगा, और किसी शुभ और मांगलिक कार्य में आपको शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। आज आप अपनी किसी प्रिय वस्तु से संभाल कर आपको रखना होगा, अथवा उन्हें खोने और चोरी होने का भय रहेगा। माता पिता को आज आपकी कोई भी बात बुरी लग सकती है। और अब बात करते मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम रहेगा। आपको आज संतान पक्ष की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को सीखना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और आप किसी से अगर धन उधार लेते हैं तो वो भी आज आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। आपको आज किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये इच्छा काफी हद तक पूरी हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों से मतभेद के कारण समस्या होगी, और परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्या के लिए आप किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आज अपने निवेश संबंधी योजना के बारे में समझाएं तो उसमें निवेश करने से बचना होगा। आज आपका धन फंस सकता है, और किसी अजनबी से मुलाकात आज आपके लिए समस्या लेकर आती है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का दिन आज कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला होगा। वाहन चलाते समय आज आपको चोट लग सकती है, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से आप चलाएं। और कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है यदि आप इसे आप घबराए नहीं और इन्हें समय रहता पूरा कर दे। विद्यार्थियों को यदि शिक्षा में कोई समस्या आ रही है तो आज अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज कोई नया पद मिल सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक देने वाला है। यदि जीवन साथी से किसी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो दूर होगा, और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। भाई बहनों से आप किसी संपत्ति में विवाद ना उलझे तो अच्छा होगा। वरिष्ठ सदस्यों की बात मानकर आगे बढ़े। और अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन घर परिवार में चल रही समस्याओं से आपका मन परेशान रहेगा। आप अपने कामों को पूरा करने के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे। संतान से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, और माता पिता से किए हुए वादे को पूरा करने का भी आपको समय मिल जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। यदि किसी सदस्य के भविष्य से संबंधित कोई फैसला लेते तो बहुत ही जल्दी सावधानी से लेने, नहीं तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके सामने आ सकती है। अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी अजनबी साथी का आगमन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आय में वृद्धि लेकर आएगा, और आय बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपने कुछ पुराने कर्जे भी आसानी से उतार पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की बात का पूरा मान रखते हुए बात समझ कर ही
कार्य करें। किसी भी गलती से आपको करने से बचना होगा। और बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि दिलाने वाला होगा। खर्च बढ़ने से आप परेशान होंगे। प्रेम के जीवन में जी रहे लोगों, आज किसी बात को बहसबाजी हो सकती है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अगर आज आप करना चाहते हैं तो आज आपकी इच्छा ये जरूर पूरी होगी और इसमें आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपको संतान का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको एक से अधिक स्रोतों से आय पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुछ व्यवसाय संबंधी मामलों को बैठाकर सुलझाना होगा। आज कुछ बिजनेस कर रहे कुछ लोगों के लिए प्लानिंग हुई है तो उसमें आगे बढ़े, नहीं तो वो लटकती चली जाएगी। और अब आप बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कुछ व्यापार में कुछ नए उपकरण शामिल करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके चेहरे की चमक आपके शत्रु को हैरान कर देंगे। सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे जिससे आपकी छवि और निखरेगी। आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। ये था आज का राशिफल। और हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए कार्यक्रमों की सूचना नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कल आपसे इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।